टेम्परेचर की। इसको वार्म बहुत पसंद है, ये कैसी भी धूप हो थोड़ी चनी होनी चाहिए और सर्वाइव कर लेगा कैसी भी धूप हो। इसके ऊपर एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा, श्रिंक होके टूटने लगेगी। और इसको छनी हुई धूप पसंद है, शेड, और ये कैसी भी गर्मी हो ये सर्वाइव कर ही लेता है। और ये अभी आप देख सकते हैं इसमें इसकी टहनियों में देखो अभी छोटे छोटे पत्तियां होंगी गर्मी के टाइम में, और इसमें पत्तियां उग जाएंगी, पूरा हरा भरा हो जाएगा। ये देखिए इधर का मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इधर का ही हरा भरा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। विंटर सीजन में ना ये सारी पत्तियां इसकी श्रिंक होकर टूट जाएंगी और इससे बचेगी इसकी टहनियां, इतनी बड़ी से बचेगी, सारे लीफ श्रिंक हो जाएंगे। टहनी देख रहे ना है, ये पत्ती गिर के से मेरा ये टहनी ही बचेगा। फ्रेंड्स इसकी दो ब्रीड आती हैं, एक जो आप मेरे पास देख रहे हैं पूरा ग्रीन, इसमें एक और तरह का आता है जो पूरा लाइट ग्रीन होता है, इसके किनारे किनारे व्हाइट होता है, वो भी बहुत प्यारा लगता है पर वो मेरे पास है नहीं। जो लाइट ग्रीन वाला होता है लीव्स उसको वेरिएटेड लीव्स बोलते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे सॉइल मिक्स की, ये मिट्टी एकदम ना कड़क होनी चाहिए ना एकदम चिपचिपी, एकदम मॉइस्चर होनी चाहिए मिट्टी। और अगर कड़क मिट्टी है आप उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सैंड और थोड़ा कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, जिससे ये मॉइस्चर रहेगा। ये जो हमारा पॉट है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, अगर आप पानी डाल रहे हैं तो ये ड्रेन होके इस ट्रे में जाना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ज्यादा इसमें पानी नहीं डालना, और अगर पानी डाल रहे हैं तो ये वेल ड्रेन होना चाहिए, अंदर ही अंदर अगर पानी रह जाएगा तो इसकी ये जो रूट है वो सड़ जाएंगी और ये हमारा जितना क्यूट सा पेड़ है वो ग्रो भी नहीं हो पाएगा और ये मर ही जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे मिट्टी में सैंड है, ये ना ज्यादा चिपचिपी ना ये ना कड़क एकदम। अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रोपेगेशन की, किसको प्रोपोगेट कैसे करना है। दो तरीके होते हैं प्रोपोगेट करने के लिए, एक इसका रूट डिवीजन और एक इसका टहनी काट के आप मिट्टी में भी रख सकते हैं और आप पानी में भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी रूट चाहिए तो आप इसको पानी में डाल दीजिए और जब रूट आ जाए तो आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ पानी में डाल के, मैंने इसको सुबह लगाया था तो अब मैं इसको निकाल के आपको पानी में लगा के दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत टाइट है, ये देखिए फ्रेंड्स जैसे आप मनी प्लांट पानी में डालते हैं वैसे आप इसको भी पानी में डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इसको पानी में डाल दिया हूँ और ये देखिए ये बॉटल में जाने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए रहता, थोड़ा सा ही चाहिए रहता और जिसमें हम लोग इसकी टहनी डाल सके, नहीं डालिए जहाँ तक उसका रूट का पार्ट है, अगर हम लोग पूरा भर देंगे तो इसकी टहनियाँ सड़ के खराब हो जाएगी और ये पूरा लीफ भी खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे ये पेड़। अक्सर ये देखा होगा कि आप बहुत केयर करते हैं पेड़ की पर वो मर जाता है, तो उसमें छोटे छोटे बग्स लग जाते हैं। मार्केट में एक नीम ऑयल मिलता है, आप उसको पानी में डाल के स्प्रे कर दीजिए तो कीड़े मर जाएंगे और आपके पेड़ भी अच्छे खासे ग्रो होंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको ऐसी और प्लांटिंग की वीडियो देखनी है तो मुझे हर जगह शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।